इसके बारे में? वैक्सीनेशन में हरियाणा सरकार ने कई बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनमें से जैसा कि आप देख रहे हो कि वैक्सीनेशन दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, वैक्सीन की डोजें जिला स्तर पर दी जा रही हैं और वो अपने प्रयास कर रहे हैं। इसमें पर्टिकुलरली हमने आदेश दिया है कि सेकेंड डोज जो जिनकी ड्यू है उनको समय पर लगे, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम जनता के जो सिटीजन्स हैं उनको करें। इसके अतिरिक्त एक महिलाएं जो एएमसी वाली हैं, गर्भवती महिलाएं, उनको पहले चूँकि टीका नहीं लगता था, अब एडवाइजरी आ गई है तो उनके लिए अलग से बूथ बनाने के लिए सभी जिलों को कहा गया है ताकि उनको जिस दिन एंटीनेटल चेकअप होता है उनका बुधवार को, उस दिन उनको ये सेवाएं मिल सके। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन जो हैं उनको उनके घर जा कर के, उनके द्वार पर जा कर के वैक्सीनेशन किया जाएगा। आज मीटिंग में मैंने यहाँ झज्जर में भी इनको कहा है, जिसके लिए ये इन्होंने पहले भी ये समाज कल्याण विभाग से लिस्ट लेकर के, अपने खुद के विभाग से लिस्ट लेकर के जी उनको वैक्सीनेट कर चुके हैं। जो बच गए उनको नियर फ्यूचर विदिन 7 डेज, जैसे कि सीएमओ साहब ने बताया, ये लोग उनको सभी को कंप्लीट वैक्सीनेट कर दें। अंडर 18 की अभी ट्रायल चल रही है, उसके जो ही रिजल्ट आएंगे और ICMR की जो भी गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार हरियाणा सरकार तत्परता से काम करेगी। और कुछ चुनिंदा जो मंडलीय अस्पताल हैं जो ज़्यादा बेड कैपेसिटी के हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री केयर फंड से, DRDO से और अन्य जो सोर्सेज हैं उनसे, सरकार के अपने खुद के बजट से एक प्लान बना करके सभी अस्पतालों में जो है ना ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने जी। उन ऑक्सीजन प्लांट्स को हमने ये अभी तक जो टारगेट है वो 15 अगस्त से पहले कंप्लीट करने का रखा गया है और उसी में सरकार के निर्देशानुसार हमारे सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, उन सभी को जिले अलॉट किए हैं। उसमें बुजरी, झज्जर और पलवल जिला अलॉट किया है। सुबह चूँकि भादरूड गया था, वहाँ भी हमारा प्लांट चालू हो गया है और यहाँ भी प्लांट चालू हो गया। इसकी थर्ड पार्टी की इंस्पेक्शन जो है वो बाकी है, वो कंपनी जो इंस्टॉल करती है उनको करवा के कल परसों में भेजेंगे। कैसे सुविधा मिल पाएगी सर मरीजों को? जैसे कि इस समय हमने ऑक्सीजन सिलेंडर फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, हमने रिफिल नहीं कराना है, ये वातावरण से एयर को लेकर के इसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है। इसके बैकअप के लिए भी इनके पास जेनसेट की अप्रूवल आ चुकी है, क्योंकि बिजली चली जाती है तो इसमें ऑक्सीजन पैदा होना बंद हो जाता है, इसलिए उसको सुनिश्चित करने के लिए अल्टरनेटिव बाधुगढ़ और झज्जर दोनों जगह हमने एक जेनसेट हरियाणा सरकार ने प्रदान किए हैं, अप्रूव किए हैं, उसमें इनकी अप्रूवल इनको मिल चुकी है, वो भी कल परसों तक दोनों लग जाएंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर किस तरीके की तैयारियाँ? देखिए, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है और उसके हर एंगल पे तैयारियां कर रही है। अगर ये बच्चों में ज़्यादा आती है तो बच्चों के लिए स्पेशल जो वार्ड बनने चाहिए वो गवर्नमेंट और प्राइवेट हर जगह आंकलन किया जा रहा है और गैप एनालिसिस करके जहाँ भी हमें कम लगती है उसको पूरा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट हैं, आपने देख लिए, हर जिला स्तर पर 15 अगस्त तक तकरीबन लग जाएंगे। उपमंडल स्तर पर भी काफ़ी सैंक्शन हुए हैं और कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेवल तक भी जो है ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं या नियर फ्यूचर में 2-5 दिन या विदिन 1 वीक कर दिए जाएंगे।